इलाज का झांसा देकर बाबाओं ने हड़पे 50,000 फिर बुलाया है। पिता ने पुलिस से की जालसाजों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। शिवपुरी में मानसिक रोगी एवं इन्फेक्शन का शिकार बेटे का इलाज करने के नाम पर तो ढोंगी बाबाओं ने एक पिता से 50,000 हड़प लिए। हैरानी की बात तो ये है कि 50,000 हड़पने के बाद भी ढोंगी बाबाओं ने पिता को एक बार फिर से बुलाया है। बाबाओं के चक्कर में फंसकर 50,000 गंवाने के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर दर्ज कराई है। पीड़ित ने जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रुपये वापस दिलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कैलाश पुत्र नकट राम धाकड़ निवासी ग्राम रामनगर थाना कोलारस जिला शिवपुरी ने बताया कि मेरा बेटा सुनील धाकड़ जो कि मानसिक रोगी एवं इन्फेक्शन का शिकार है, जिसका इलाज कराने के नाम पर जानकी उर्फ नर्मदा आदिवासी और अनिल परमार ने 50,000 रुपए झटक लिए। दोनों ने कहा कि तेरा बेटा अच्छा होकर स्वस्थ हो जाएगा, इनके लिए तुझे इलाज कराना होगा और इसमें काफी खर्चा भी आएगा। फिर षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर पुत्र के इलाज कराने के बहाने से 50,000 रुपए ले लिए और आज दिनांक 20/1/2024 को बैराड़ में बुलाया है। इसलिए प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की गई है और अपने झांसे में ले लिया है। प्रार्थी अनपढ़ है, अपने पुत्र की खातिर आरोपीगढ़ के झांसे में आकर रुपए दे दिया, इसलिए आरोपीगढ़ के उपरोक्त मोबाइल नंबरों को साइबर सेल के माध्यम से ट्रेस कर गिरफ्तार कर मेरे रुपए दिलाए जाएं तथा आरोपीगढ़ के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? एएसपी ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? जिसमें लिखा है सब मैंने आवेदन बनवा लिया है, बच्चा बीमार था। हाँ, चक्कर में तो किसी ने आपसे ठगी कर ली है? क्या ठगी कर? कितने रुपए की? 50,000 रुपए बच्चे की बीमारी के नाम पे। तो उन लोगों को आप जानते हो? मैं नहीं जानता वो तो। अच्छा, मोबाइल नंबर आया था तो? मोबाइल नंबर नहीं, एक औरत आई थी यहीं दवा बेचने की, उसने बताया था महाराज है कि बनारस साइड की कहीं बहुत अच्छा जानती है कहीं, और कोई अगरबत्ती के पैसे नहीं लेती वहाँ पर बुला के वो ठगी कर लेंगे जैसे 50,000 रुपये। कितने रुपए ले लिए आपसे? 50,000 रुपये सामान से। कहाँ पे, कौन सी जगह लिए थे? सोपुर नहर पे। सोपुर नहर पे। अब आप क्या चाहते हो? अब आज भी बुला रहे हैं ये बेड़ार पे, तुम आ जाओ और पैसे ले। अब आप साथ में, आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी, मेरा पैसा कैसे ना कैसे उनको मतलब मोबाइल द्वारा कैसे ना कैसे पकड़ के और मेरा पैसा वापस हो जाए। अच्छा, पैसे वापस लेना है उन पे केस भी? यहाँ एसपी ऑफिस आई थी शिकायत करने, तो क्या कहा उन्होंने? बे साहब तो नहीं मिले, मैं आवेदन देखें वो भी बोले कि तुम जो सब कंप्लीट करके कोई थाने पर दे देना बड़ा पे, वहाँ पे कोई पुलिस वाले भेज के उनको पकड़ लेंगे।